बेटा देख मैं तेरी बात समझ रही हूँ, सेंटीमेंट्स आ गए बेटा, तू मुझे लिख के दे, मैं बेटा मुझे बोलने तो दे। अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कहीं ये प्रदर्शन उग्र हुआ तो कहीं युवा इसके विरोध में शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रख रहे हैं। ऐसे ही एक विरोध प्रदर्शन का एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आया है। इस वीडियो में एक युवा जिस तरह से योजना बंद करने की गुहार लगा रहा है, उसे देखकर लोगों का दिल पसीज गया। दरअसल वीडियो में दिख रहा एक युवक एक अधिकारी के सामने रोते हुए इस योजना को बंद करने की गुहार लगा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह वीडियो हरियाणा के पानीपत का है। यहां अग्निपथ योजना के विरोध में युवा प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान एक प्रदर्शनकारी युवक ड्यूटी मजिस्ट्रेट को देखकर भावुक हो गया। यह युवक पानीपत स्थित मिनी सचिवालय के सामने हो रहे प्रदर्शन में शामिल था। जैसे ही उसने वहां ड्यूटी मजिस्ट्रेट को देखा, तुरंत उनके गले लगकर रोने लगा। उसने अधिकारी से रो रो कर अग्निपथ योजना को बंद करवाने की गुहार लगाते हुए कहा, अंकल इस अग्निपथ को बंद करवा दो, चार साल से फौज की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा करियर खराब हो जाएगा। युवक की बात सुनकर अधिकारी भी भावुक हो गए। उन्होंने उसे कहा कि तुम लिखित में ज्ञापन दो, तुम्हारी बात सरकार तक पहुँचाएंगे। बता दें कि सरकार द्वारा लाई जा रही अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को चार साल के लिए सेना का हिस्सा बनाया जाएगा। इस योजना का विरोध कर रहे युवाओं का मानना है कि वे सब चार साल की सेवा के बाद कम उम्र में ही रिटायर कर दिए जाएंगे। इसके बाद उनके भविष्य का क्या होगा? हालांकि सरकार का कहना है कि भर्ती किए गए जवानों में से 25% को सेना में रखा जाएगा तथा अन्य को रिटायरमेंट के समय अच्छी खासी धनराशि दी जाएगी। इधर युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, इसीलिए अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं। देख मैं तेरी बात समझ रही हूँ, सेंटीमेंट्स आ गए बेटा, तू मुझे लिख के दे, मैं बेटा मुझे बोलने तो दे, बोलने तू मुझे लिख के दे, मैं तेरी बात सरकार तक पहुँचाऊंगा, अपना करियर खराब मत कर, मेरे बेटे लोगों की बात है, यहाँ पता क्या बेटे को मैं बाप के बराबर हूँ, तेरा करियर खराब हो जाएगा, तेरी बात पहुँच गई। बोलो सर, आपने कानून का पालन किया, कुछ नहीं होगा, हिम्मत को हार रहा है, परंतु ऐसा क्यों मत करो, आप कानून को अपने हाथ में नहीं आना। आपने आपका पूरा ध्यान रखिए, अपना अपना जो बेटा जो सिक्योरिटी का काम है, इसमें हमको कुछ नहीं होने वाला। अगर आप शांति से घर चले जाओगे, आप उनको टेंशन मत लो, और अगर आप कानून हाथ में लोगे तो फिर कानून को अपना काम करेगा बेटा, इसमें क्या बुरा मानने वाली बात है, ठीक है ना, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तुमने कानून का पालन किया, अपना प्रदर्शन कर लिया, तुम्हारी बात सरकार तक पहुंच रही है, इसमें परेशानी क्या है? आप अपने फिकर में मुझे दो, मैं सरकार तक पहुंचाऊंगा आपकी बात। कहोगे जी 10 साल को लिए, कम से कम 9 साल 6 महीने 1 महीना कुछ मतलब कुछ करना, नौकरी की तैयारी करना है, आर्मी की इतना मैंने तैयारी करी, 4 साल की भर्ती मिलेगी ना, मैं भर्ती में लाग दूंगा, 6 महीने ग्रीन कर पाऊंगा, मैंने सोचूंगा भाई मैं लाग जाऊँ, लेकिन उसके बाद टेंशन होगी, अरे 4 साल की क्षमा भी निकलती, 25 महीना जी, मैं 25 साल का, मैं 21 साल का हूँ, 25-26 साल का मैं निकल काऊंगा, 25-26 का निकल का मैंने 12th करा की, ग्रेजुएशन तो मैंने कहीं आर्मी में ज्वाइन हो गया, तो मैं ग्रेजुएशन आगे करूंगा, 2-3 साल की ग्रेजुएशन हो, जो ग्रेजुएशन करता मैं 30 साल का नौकरी कहाँ छोड़ूंगा। सरकार की जो पॉलिसी मेकर है ना, उन्होंने सबका, मैं ये नहीं कहता सरकार ने कुछ सोच समझ का पॉलिसी बनाई है। आप जब आप बोल रहे थे मैं सबका सुन रहा था, अब थोड़ा अपने आपकी अपनी मेच्योरिटी दिखा बेटा, मैं बोलने लगा तो आप मुझे बोलने भी नहीं देते। जो सरकार ने अगर आपके भविष्य के बारे में कुछ ना कुछ सोचा होगा, कुछ समय तो दो सरकार को भी,